हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल हेयर लेट्स डिस्कस दी नेक्स्ट फीचर ऑफ कंपनी दैट इज कॉमन सील कॉमन सील कॉमन सील एक मेटल की स्टेम्प होती है जो डॉक्यूमेंट्स पे स्टेपिंग के लिए यूज होती है ये प्रूफ करने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑफिशियली अप्रूव किए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कॉमन सील एक इंकलेस स्टैंप होती है इट लुक्स लाइक अ स्टेपलर सो कॉमन सील अ मेटल स्टैंप फॉर स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स विद द द नेम ऑफ कंपनी टू शो दैट दे हैव बीन अप्रूव्ड ऑफिशियली वायमन सील रिक्वायर्ड कॉमन सील की रिक्वायरमेंट क्यों होती है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है पर फिर भी सारे राइट्स कंपनी को एक नेचुरल पर्सन की तरह ही दिए गए हैं कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है पर क्या कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकती है तो आंसर इज नो तो कॉमन सील इज यूज एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी जो कंपनी को बाइंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए कॉमन सील एक एनग्रेव्ड इम्प्रेशन छोड़ देती है पेपर पे ये एक स्टेपलर की तरह यूज किया जाता है और जब पेपर हटाया जाता है तो उस पे कुछ इस तरह की इमेज बन जाती है कॉमन सील पे साइड में कंपनी का नाम दिया हुआ होता है और बीच में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट यानी कि जहां पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मेंशन होता है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2015 में एक कॉमन सील को लेकर अमेंडमेंट आई थी जिसके अकॉर्डिंग अब कॉमन सील लगाना इज नो मोर मैंडेटरी मतलब अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उनके पेपर्स पे दो डायरेक्टर्स के साइन या फिर एक डायरेक्टर और एक मैनेजिंग डायरेक्टर अगर उस कंपनी में है तो उसके साइन लगाना भी सफिशियंट माने जाते हैं तो कॉमन सील अगर कंपनी के पास नहीं है तो डायरेक्टर्स के साइन सफिशियंट है बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी को कॉमन सी लगाना पड़ेगा तो 2015 से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सी लगना मैंडेटरी था बट आफ्टर 2015 कॉमन सी लगाना इज नो मोर मैंडेटरी टू सम नाउ अगर कंपनी के सारे फीचर्स को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बनाई जाए तो अ कंपनी इज अ अंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है फॉर प्रॉफिट का विथ कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स जिसकी कैपिटल डिवाइडेड होती है शेयर्स में विथ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है